सबसे पहले हमारे यहाँ बेसन है और फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्ट टू टेस्ट नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हाफ़ टी स्पून करीब टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून करीब रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून करीब जीरा है और यहाँ पे चॉप्ड ग्रीन चिलीज हैं 3-4। और फिर हम इसमें थोड़ा वाटर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, इसका बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पे बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक कर लेनी है और फिर हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे और फिर हम इसे चलाते रहेंगे। इस बैटर को हमें थोड़ा गाढ़ा करना है और यहाँ पे ये इसे हमने कुछ इस कंसिस्टेंसी में रख ली है, आपको भी ऐसे ही करना है। ये थोड़ा डार्क पेस्ट हो गया है और यहाँ पे हमारे कुछ मसाले हैं, इन मसालों को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 2 रेड चिलीज और 1 लहसुन का जवा है और थोड़े चॉप्ड ऑनियंस हैं 1-2 स्मॉल साइज के। और यहाँ पे हम प्लेट में इसे डाल के कुछ इस तरीके से कट करेंगे, ऐसे शेप में हमें कट कर लेना है अपने बेसन के पेस्ट को। इन शेप्स में हमें कुछ इसे कट कर लेना है। यहाँ गरम ऑयल में हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और फिर ग्राइंड मसाला डाल देंगे हम इसमें। हाफ टी स्पून करीब टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून करीब रेड चिली पाउडर और चॉप्ड टोमेटोज और ग्रीन चिली हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसे भी हम अपने मसाले में ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें थोड़ा वाटर डालेंगे, वाटर डाल के इसे मिक्स करेंगे और फिर यहाँ पे दही है, दही को थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे और फिर इसे पका लेंगे। अब ये रेडी है। ऐसी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।